दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। और अब एक दूसरी बीमारी की बात करें जो है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज की बात मैंने की, अब हाई बीपी की बात करें। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को ठीक करने के लिए 3 प्राणायाम बहुत जरूरी हैं। पहला वही भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। तो ये 3 प्राणायाम करना लगभग 1 घंटे। और दवा कौन सी खानी है आयुर्वेद की? आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उनमें से एक दवा है दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर रोज शहद में मिला के गर्म पानी के साथ खाएं। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाएं और गर्म पानी के साथ खाएं। और अगर आपको डायबिटीज है तो दालचीनी पाउडर खाली गर्म पानी से ही खाएं, उसमें शहद ना मिलाएं। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होगा। दालचीनी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। एक दूसरी दवा है हमारे घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है मेथी का दाना। आप मेथी दाना ले लें आधा चम्मच और 1 गिलास गर्म पानी में रात को डाल दें। रात भर इसको पड़ा रहने दें, सुबह सुबह उस पानी को पी लें खाली पेट और मेथी दाने को चबा के खा लें। इससे भी आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होगा। तीसरी एक दवा है आपके घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन छाल बाजार में भी मिल जाती है, 20-25 रुपए किलो आती है। इसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर 1 कप पानी में डालकर खूब गर्म कर लें और उसको फिर पी लें ठंडा कर। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और अर्जुन की छाल के पाउडर से हृदय रोग भी ठीक होते हैं। जैसे आपके हृदय में कहीं ब्लॉकेज आ गया, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया, अब आप उसके लिए एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कराएंगे तो 2 लाख खर्च होगा, और यही काम आपका अर्जुन की छाल का पाउडर कर देगा बिल्कुल मुफ्त में। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर 1 कप पानी में खूब गर्म करके इसको चाय की तरह से रोज सुबह पी लेंगे तो 4-6 महीने में आपका ब्लॉकेज भी निकल जाएगा। हाई बीपी तो ठीक होगा ही, ब्लॉकेज भी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाएंगे आपके। ये अर्जुन जो है ना, अर्जुन की छाल, ये कमजोर दिल वालों की सबसे अच्छी दवा है। कई बार आपको डॉक्टर अगर ऐसा कहता है कि आपका दिल बहुत कमजोर है तो आप जरूर इस अर्जुन की छाल का उपयोग करें। और एक दवा बताता हूं आपको हाई बीपी की, बहुत अच्छी, लौकी का रस पिए। 1 कप लौकी का रस हर दिन सवेरे खाली पेट पिए, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और इस लौकी के रस में 5-6 पत्ते धनिया के, 5-6 पत्ते पुदीना के, 5-6 पत्ते तुलसी के पीस के जरूर डालें, और 3-4 काली मिर्च, ये सब मिला के फिर आप लौकी का रस पिएं तो हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा इससे, शुगर भी नॉर्मल होगी इससे, और आपके हृदय के रोग भी ठीक होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, मोटापा भी घटेगा, शरीर हल्का हो जाएगा आपका। और एक अच्छी दवा बताता हूं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो भी आपके घर के आसपास मिल जाएगी, उसका नाम है बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र का जो पेड़ है उसके पत्ते जो हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, आप सभी पहचानते हैं उसको, तो बेल पत्र के 5 पत्ते ले लें, पत्थर में पीस लें, इसकी चटनी बन जाएगी, और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिए। ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है उनको आप कहिए कि ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें, 1.5-2 महीने में उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है वो बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो जाए, इतना अच्छा है ये बेल पत्र।
मेरा निवेदन है कि आप सभी शंकर जी को जब पूजा करते हैं और बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं, तो ये बेलपत्र मंदिर में ना छोड़ें, शंकर जी को स्पर्श करा के वापस ले आए और इसकी, हाँ, इसकी दवा बना के खाएं। क्योंकि आप शंकर जी के मंदिर में छोड़ देते हैं और वो पुजारी उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देता। हर सोमवार को हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र बर्बाद होते हैं इस देश में। और मैंने इसका सोचा एक दिन हिसाब कि जितने शंकर मंदिर हैं और जितने बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम वो बेकार ना करें, उतने ही पत्तों से भारत के 20 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक किया जा सकता है। तो अब आपको मंदिर की पूजा के पद्धति में थोड़ा बदलाव करना है। शंकर जी के मंदिर में जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन शंकर जी को स्पर्श करा के वो वापस ले आइए। वो शंकर जी का प्रसाद है और उसको आप चबा के खा लीजिए और पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, शुगर कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही हो जाएगी ठीक। और अगर यहाँ कोई मंदिर के पुजारी बैठे हैं तो उनको तो निवेदन है मेरा कि जितने बेलपत्र मंदिर में आते हैं उसको धूप में सुखा लें और उसका पीस के पाउडर बनवा लें, और मंदिर में आने वाले हर भक्त को पुड़िया बना बना के वो बेलपत्र के पाउडर की दे। शंकर जी ने ये आपके लिए दिया है। शंकर जी को तो कोई हाई बीपी नहीं है, ना लो बीपी है, ना उनको डायबिटीज है, ना उनको कोलेस्ट्रॉल। ये आपके लिए दिया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को जो अर्पित होता है वही प्रसाद है, तो बेलपत्र ही प्रसाद है आपके। आगे चलें, और एक अच्छी दवा है हमारे घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है गाय का मूत्र। ये जो देशी गाय होती है, भारतीय गाय है, इसका आधा कप ताजा मूत्र रोज सुबह खाली पेट जो भी पी लेगा उसी का हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। और देशी गाय के मूत्र से शुगर भी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होती है, मोटापा कम होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से एसिडिटी ठीक होती है, हाइपर एसिडिटी ठीक होती है, अल्सर ठीक होता है, पेप्टिक अल्सर ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी बहुत खतरनाक रोग है, ये ठीक हो जाता है। तो आप देशी गाय का मूत्र जरूर पी सकते हैं। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस सब ठीक हो जाते हैं। अद्भुत औषधि है देशी गाय का मूत्र, तो आप उसे भी पी सकते हैं। आपके घर के आसपास जहां भी देशी गाय है आप ले सकते हैं।